माता रानी को किया गया अलविदा। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति उकवा बस्ती के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नवरात्र पर्व की धूम रही। इसी तरह माइल लिमिटेड उकवा खान समिति के द्वारा भी नवरात्र पर्व एवं दशहरा पर्व की धूम रही। दोनों ही समितियों के द्वारा तथा क्षेत्र में मनाए जा रहे नवरात्र पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी के दिन पूजा अर्चना कर नवकन्याओं को भोज कराया गया। साथ ही दशहरा पर्व पर बालिकाओं के द्वारा कलश यात्रा एवं एक से बढ़कर एक झांकियां निकालकर बस स्टैंड उकवा दुर्गा मंदिर से रेंज ऑफिस होते हुए बस स्टैंड उकवा नई माइल कॉलोनी होते हुए उकवा बस्ती का भ्रमण किया गया। उसके पश्चात दशहरा मैदान पहुंचकर आतिशबाजी एवं फटाखे फोड़े गए तथा भगवान श्री राम के द्वारा रावण वध किया गया। समिति अध्यक्ष आकाश अग्रवाल एवं मनोज अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा रामनवमी के दिन नगर भोज कराया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं नगर भोज में शामिल होकर माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने रावण वध का कार्यक्रम को देखा। इसी तरह माइल लिमिटेड उकवा खान में भी रावण वध कराया गया तथा रात्रि में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसके पश्चात देवी तालाब शमनापुर में ज्वारा विसर्जन किया गया, जहां माइल लिमिटेड उकवा खान के द्वारा माता रानी की प्रतिमा को शमनापुर देवी तालाब में विसर्जन किया गया एवं सभी श्रद्धालुओं को महाप्रसादी वितरण की गई। दोनों समितियों के कार्यक्रम को सफल बनाने में खान प्रबंधक मयंक जैन, मनीष डोंगरे, चंद्राकर, दर्शनदीप एवं माइल में पदस्थ महिला एवं पुरुष कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने इसी तरह सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति उकवा बस्ती में संतोष सोनी, अशोक जिजोतिया, मानसिंह दुर्वे, संजीव अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल आदि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं आकर्षक की झांकी को पुरस्कृत भी किया गया है। दशहरा पर्व के अवसर पर उकवा क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गई। झांकियों में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति उकवा के द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया गया, जिसमें माता माई उकवा बस्ती के नाम से शासन द्वारा चलाए जा रहे यातायात नियमों के बारे में बताया गया। झांकी के माध्यम से दर्शकों को बताया गया कि यातायात पुलिस के नियम प्रथम स्थान पर यह झांकी आई है, जिसे 4100 रुपये से देकर सम्मानित किया गया। झांकियों में भाग लिए थे आप लोगों ने? क्या थी झांकियों में भाग? हमने बताया थे कि रोड पर रेंज कर चले, अगर बीच में गाँव बैठी है तो गाँव को साइड कर दे, आजू बाजू वाले ध्यान दे, हेलमेट पहन कर चलाए और दारू पी कर ना चलाए, मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी ना चलाए। ये उद्देश्य कैसे आया आपको? हम न्यूज देखते हैं तो न्यूज में बताए तो उस लोगों को समझाने के लिए हमने झांकी के उद्देश्य निकाले। झांकी निकाले थे जी। झांकी को क्या सम्मान मिला? प्रथम पुरस्कार। कितना? 4100। 4100 रुपये प्रथम पुरस्कार मिला। कौन कौन थे आपके साथ में झांकी में, किस किस ने भाग लिया था? अनिकेत, लोकेश, साक्षी, रुद्र, छोटू, इसिका, साक्षी। अच्छा, कैसा लगा आपको पुरस्कार पाकर? किस नाम से निकाले थे झांकी? माई लिमिटेड उकवा खान के द्वारा जैन साहब के मार्गदर्शन में दुर्गा उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें माई के सभी अधिकारी कामगार कर्मचारियों का सहयोग रहा और फुटबॉल मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आज मूर्ति का विसर्जन किया गया, जिसमें अपार भीड़ यहाँ पे उपस्थित रहा। हम सभी हमारे सम्मानीय सभी सहयोगकर्ताओं का, माई के अधिकारी कामगार कर्मचारियों का धन्यवाद देते हैं सहयोग। कौन कौन से भगवान की प्रतिमा विसर्जन की गई? सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति
नहीं, कौन कौन सी प्रतिमा विसर्जन की गई? विसर्जित की गई। उकवा से अशोक राउत।